भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के चौहान ने भूपेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा घोषित बेरोजगारी भत्ता सहित प्रदेश की राजनीति, सामाजिक गतिविधियों व अन्य मुद्दों पर ग्रैंड एशियन न्यूज से चर्चा के दौरान अपनी बातें बेबाकी से कही। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शाहीन खान। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भाजपा जिला उपाध्यक्ष के चौहान जी, प्रदेश प्रवक्ता भी वो हैं, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बेरोजगारी को लेकर के है। प्रदेश और देश की जो बेरोजगारी है वो कितनी हावी है युवा वर्ग पर, इस पर हम आज उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका सबसे पहले स्वागत। सर, मैं जानना चाहूंगी कि बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या जो है विकराल रूप ले रही है, इसको दूर करने के लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये एक्चुअली तो दोनों की जवाबदारी है, सरकार की भी जवाबदारी है और जनता की भी जवाबदारी है। सरकार को प्रति परिवार एक रोजगार देना चाहिए और जनता को भी अपने एफर्ट्स लगा के वो रोजगार पाना चाहिए। रोजगार का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, रोजगार का मतलब हम लोग सरकारी नौकरी समझ जाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं होता। सरकारी नौकरी अधिकतर मतलब पूरे वर्ल्ड में हर देश में लगभग 1% के आसपास होती है जितनी भी जनसंख्या है। तो सरकारी नौकरी सबको देना उचित मतलब पॉसिबल है ही नहीं किसी भी देश के लिए कहीं भी। तो रोजगार का मतलब ये होता है कि हम अपनी सेवाएं देके और उसमें से अपना पारिश्रमिक निकालें, हमारे को अपना मेहनताना मिले, भले वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भले वो किसी भी प्रकार का हो। तो हम लोग अपना जो मेहनताना देते हैं, मेहनत देते हैं, उसका मेहनताना लेते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो प्राइवेट नौकरी करके भी हो सकता है, प्राइवेट नौकरी या जैसे इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है। तो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए सरकार बहुत सारी मदद भी करती है इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, और मदद करनी भी चाहिए। उसके जरिए दूसरों को नौकरी भी मिलती है और इनकम भी बढ़ता है, GDP बढ़ती है हमारे देश की। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज्यादा सरकार को करना चाहिए, और सरकार और हम जनता को भी ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता है, रोजगार बहुत सारी चीजें होती है, जैसे खुद का स्टार्टअप चालू करना, खुद का ठेली खोमचा लगाना, खुद का कुछ भी करना, वो भी एक रोजगार है। और उसके लिए भी हमारे को प्रयासरत होना चाहिए और सरकार को भी। अभी जैसे सरकार अभी 10,000 रुपए दे रही थी लोन, जो पहले कभी सरकारों ने नहीं दिया, जो ठेली खोमचे वालों को 10,000 रुपए दे रही थी, तो वो अपने आप में एक अच्छी पहल है और सरकार भी पहल कर रही है और हमारे जनता को भी पहल करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, रोजगार ठेला खोमचा लगा करके भी रोजगार किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही मिले। आज का जो परिवेश देखा जा रहा है, युवा वर्ग ज्यादा प्रभावित है बेरोजगारी को लेकर, उन्हें कैसे निजात मिल सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली युवा जो है वो एडिशनल वैल्यू करनी चाहिए। जब वो पढ़ रहे होते हैं तो आप खुद सोचिए कि दो अगर इंटरव्यू लेने गए देने गए हैं तो दोनों में से अगर कोई अधिकारी है तो किसको चुनेगा? एक जो BCOM किया हुआ है, दूसरा भी BCOM किया है, लेकिन BCOM के साथ साथ उसने एडिशनल वैल्यू मतलब अपनी अतिरिक्त जो प्रतिभा है उसको निखारा है। जैसे कंप्यूटर उसने सीख लिया है BCOM के साथ, उसने और कोई लैंग्वेज सीख ली है, तो वो किसको तवज्जो देगा? वो उसी को देगा जो एडिशनल वैल्यू जिसके ऊपर है। तो एडिशनल वैल्यू हमारे को जनरेट करनी चाहिए और इंक्वायरी करवानी चाहिए, मतलब इंक्वायरी लेनी चाहिए हर जगह से। हम बैठे बैठे हम लोग सोचेंगे कि हमारे पास नौकरी आ जाए, एक दो जगह अपन भर देते हैं। आप जाए, आजकल का मतलब इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट में बहुत ज्यादा सर्चिंग करने की जरूरत है, सर्च कर सकते हैं आप। कंसल्टेंट लोगों से भी जाके आप मिले, क्योंकि कंसल्टेंट लोग ज्यादा से ज्यादा अपना थोड़ा सा पारिश्रमिक लेंगे, लेकिन उसके बाद वो आपको और ज्यादा उनके और कॉन्टेक्ट और ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है, 24 घंटे यही काम कर रहे हैं। तो कंसल्टेंट लोग से मिले और हर व्यापारिक मेले में जाए, भले आसपास के, भले रायपुर हो, भले वो बिलासपुर में हो, आसपास कहीं भी व्यापारिक मेले हो वहां पर भी जाएं, तो इंक्वायरी लें और अपनी एडिशनल वैल्यू बढ़ाएं। तो उसके कारण फिर वो क्या होता है कि नौकरी मिलती है और कोई भी संस्था उसको रखती है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर किसी को
शादी करनी है और वो लड़की ढूंढ रहा है कि मेरे को अच्छी लड़की मिल जाए, तो उसको अच्छी लड़की ढूंढने से ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को अच्छा बनाना, अपनी इनकम को बढ़ाना, अपना मतलब क्रिएट करना, अपने आप को हष्टपुष्ट बनाना, तो अच्छी लड़कियां खुद ब खुद उनके पास रिश्ते आएंगे, उनको जाना नहीं पड़ेगा। तो अपने आप को वैल्यू का हमारे को बढ़ाएं, तो अपने आप जो संस्थाएं हैं वो बहुत तवज्जो देती हैं और जल्दी जल्दी नौकरी मिलती है, उस क्षेत्र में स्पेसिफिक नॉलेज भी लें, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र का स्पेसिफिक नॉलेज लें, तब जाके आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। बेरोजगारी की बात चल रही है तो राज्य सरकार का जो ग्राफ है 1% ही बताया गया है बेरोजगारी में, 0.1% बताया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि ये हर महीने का एक सर्वे है और ये सर्वे सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे 2,70,00,000 जनता है यहाँ पर तो उसका 1% होता है 2,70,000, तो ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश भर में 2,70,000 ही बेरोजगार है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 10-10 जो नौकरियों के लिए 1,00,000 हमने आवेदन देखे हुए। मेन समस्या यहाँ पर अर्ध बेरोजगारी की भी है और वो रोजगार का परसेंटेज कम कैसे दिखाते हैं, तो सिर्फ सर्वे में ये भी देखा जाता है कि कितने लोगों ने पहले की अपेक्षा अभी मोटरसाइकिल खरीदी है, मोटरसाइकिलें कितनी हुई है, मतलब परचेजिंग पावर कितना आया है, लोग कितना सामान खरीद रहे हैं, लोग फुटपाथ से ज्यादा खरीद रहे हैं कि मॉल से ज्यादा खरीद रहे हैं, ये भी सर्वे किया जाता है, उन सबको मिला के उसके बाद वो ऐसा आंकलन लगाते हैं कि बेरोजगारी की जो दर है वो 0.1 है। तो ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि बेरोजगार लोग जो है वो 0.1% है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मनरेगा जो है, मनरेगा तो केंद्र सरकार पैसा देती है तो मनरेगा होता है, तो मनरेगा को भी काउंट किया जाता है, तो क्योंकि वो लोग भी बेरोजगार नहीं है। और अर्ध बेरोजगारी की जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बीकॉम प्लस किया हुआ लड़का है या कोई और इंजीनियरिंग पास किया हुआ लड़का है, उसको इंजीनियर की नौकरी नहीं मिल रही है, ये भी अपने आप में बेरोजगारी ही है। वो एक चपरासी की नौकरी कर रहा है तो ये भी अपने आप में बेरोजगारी है, वो एक मतलब छोटा सा काम कर रहा है तो वो भी अपने आप में बेरोजगारी है, लेकिन वो एक प्रकार से बेरोजगारी है भी नहीं। इस वजह से ये 0.1% दिखाई देता है, एक्चुअल में यथार्थ स्थिति कुछ और। सरकार को क्या पहल करना चाहिए बेरोजगारी दूर करने के लिए? जैसे खासा परिवार आर्थिक मंदी से गुजरता है जब बेरोजगारी हावी होती है, तो सरकार को कैसी पहल करना चाहिए? बिल्कुल अच्छा सवाल है और सरकार को एक ही पहल करनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो सर्व कार्य के लिए, सर्व कार्य का नाम ही सरकार होता है, तो सरकार जो है वो उसको बिल्कुल शिक्षण और प्रशिक्षण में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। शिक्षण और प्रशिक्षण में आदमी इस लायक बन जाता है कि वो किसी के काम आ सके, और जब हम किसी के काम आते हैं तब हम उसका पारिश्रमिक लेते हैं। तो शिक्षण और प्रशिक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार को दूसरा एक लोन भी देना चाहिए कि जिससे कि वो स्टार्टअप ले सके और बिना मॉर्गेज के भी लोन प्रोवाइड करना चाहिए। तीसरा बात यह है कि सरकार को ऐसी संस्थाएं खोलनी चाहिए, ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स करवाने चाहिए जिससे कि बच्चे लोग क्या है कि बोलते हैं कि हम धंधा करेंगे तो डर जाते हैं, हम लोग को नुकसान हो जाएगा, और अधिकतर लोग देखते हैं कि नुकसान हो भी गया। तो जो भी इंसान, जो भी युवा अपना खुद का धंधा करना चाहता है तो उसको पहले ये पता चल जाए कि मेरे को करना कैसे, उसको पूरा नॉलेज मिले, तब जाके वो उसके जो धंधे के जो रिस्क होते हैं, जैसे कोई फोटोग्राफर ही बनना चाहता है, फोटोग्राफर के लिए सरकार लोन दिलवाए, उसका खुद के कंट्रीब्यूशन भी दिलवाए, लोन भी दिलवाए और उसको फिर सिखाए भी, ताकि सरकार का भी पैसा डूबे मत और उसको वो भी अपने पैरों पे खड़े हो कि इसमें कौन सी परेशानियां आ सकती हैं, कौन से मतलब कहां पर आप मार्केटिंग आपको करनी चाहिए, कैसे आपको फोटो खींचना चाहिए, कैसे आपको मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे अपनी मार्केट बढ़ानी चाहिए, ये सभी चीजें सरकार को सिखाने का दायित्व होता है, जो कि
हम एक दूसरे पर छींटाकशी ना करें, और ज्यादा अच्छा है कि हम शिक्षण और प्रशिक्षण को तवज्जो दें, लोन दिलवाए और नॉलेज बच्चों को दिलवाए या युवाओं को दिलवाएं, और जो ये अपना धंधा करना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसको भी शिक्षण प्रशिक्षण दिलवाएं। आगामी 15 तारीख को जो कल ही है, आप भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है और ऐलान भी किया है, शंखनाद किया है विधानसभा घेरने का, क्या कैसा आक्रोश है, किन मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करने की तैयारी की है भाजपा ने? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से जो 16 लाख परिवारों के लिए पैसा आया गया था, केंद्रांश 60% आता है पीएम आवास के थ्रू, तो जब रमन सिंह की सरकार थी तो उसमें 4,70,000 मकान बने थे, और अभी सिर्फ 70-80,000 मकान बने होंगे तो बने होंगे, वो उस जो 16 लाख परिवारों की जो छत का सवाल है वो आक्रोश है। वो एक एक परिवार के लिए आप छत समझ सकते हैं, एक सपना होता है, एक जीवन निकल जाता है अपना आशियां बनाने में, उन्हें शर्म नहीं आती बस्तियां चलाने में। तो हम भारतीय जनता पार्टी जन जनता की आवाज बनके कल विधानसभा का घेराव करेगी और जनता की आवाज बनके उनकी मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को बोलेगी और उनसे करवाएगी, ताकि ये सवाल जो है ये जनता का सवाल है, और आपने इस लास्ट बजट में उसका कोई प्रावधान भी नहीं रखा, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है जो कि सरकार को उसका उत्तर देना पड़ेगा और सरकार को 16 लाख परिवारों की छत भी देनी पड़ेगी। अंत में एक सवाल करना चाहूंगी, भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, हाल ही में मिले, उन्होंने जल्द ही जनगणना कराने की मांग की है, तो इस पे कैसा स्टैंड रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, सभी चीजें एक सिस्टम के हिसाब से होती है, पूरा देश बहुत सारी परिस्थितियों जैसे वर्ल्ड की परिस्थितियों से भी के प्रभावित होके भी बहुत सारी चीजें अपनी करता है, तो सिर्फ एक स्टेट की वजह से कि आप अपनी पूरी घोषणा पत्र आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपना एक घोषणा पत्र को आप लीपापोती करते हैं इस नाम से कि आप जनगणना करवाइए, दूसरे प्रदेश तो नहीं गए, उनकी तो मांग नहीं थी कि जनगणना करवाइए, और जब केंद्र को लग रहा है वो पूरी टीम रहती है, सिर्फ एक आदमी के हाथ में नहीं रहता है जनगणना करवाना, पूरा सिस्टम रहता है, पूरा टीम रहती है, उसके हिसाब से जनगणना करवाई जाती है जो सर्व के हित में हो, उसके हिसाब से, सिर्फ एक स्टेट या एक परिवार या एक क्षेत्र की वजह से जनगणना नहीं करवाई जाएगी, वो तो आप सिर्फ अपना लीपापोती कर रहे हैं कि आपने जो जन घोषणा पत्र दिया हुआ था उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो बोल रहे हैं आप सर्वे कराएंगे, आप हमारा जब जनगणना होगी या सर्वे कराएंगे तब हम अपनी मांग पूरी करेंगे, तो ये जनता सभी समझती है, जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, और केंद्र का काम केंद्र अपने सिस्टम के हिसाब से करती है, जो कि सिस्टम एक आदमी के हाथ में नहीं होता, एक क्षेत्र के हाथ में भी नहीं होता, वो सिस्टम पूरा सिस्टम है, उसके हिसाब से ही काम होगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे स्टूडियो आए, बेरोजगारी और राजनीति के सवालों पर आपने जवाब दिया। तो ये थे समाज सेवी भी कह सकते हैं, आज उन्होंने बेरोजगारी मुद्दे को उठाकर जो हमसे चर्चा की है, तो हम एक समाज सेवी ही उन्हें अभी कहेंगे, हालांकि जिला उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता अलग है, केएस चौहान जी हर समय बेरोजगारी मुद्दा हो अन्य मुद्दों को लेकर वो आप सबके सामने हाजिर रहते हैं और सवालों के जवाब भी काफी बेबाकी से देते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। नमस्कार।